डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना। ठीक है, तो 12th क्लास में जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, इसके पहले वो चैप्टर था जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। चलिए फिजिक्स में भी आज एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करते हैं, वो है हम लोगों को प्रकाश, ये प्रकाशिकी खंड से चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन, ये हम लोगों को टॉपिक चैप्टर है। कब का चैप्टर है? तो न्यू चैप्टर है और ये प्रकाश की खंड से, यानी कि खंड हम लोगों का ये चल रहा है टोटल 5, यानी कि टोटल 6 खंड है। ठीक है, और इस पांचवें खंड में अगर बात करें तो टोटल हम लोगों को 7 चैप्टर है पांचवें खंड में, और इस पांचवें खंड में हम लोग चल रहे हैं दूसरा चैप्टर। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं कि हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं खंड 5 का, जिसका नाम है प्रकाशिकी। ठीक है, और इस प्रकाशिकी के दूसरा वाला चैप्टर जिसका नाम है गोलीय सतहों से प्रकाश के अपवर्तन, यानी कि कुल मिलाकर इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ अपवर्तन का केस पढ़ेंगे। याद रखिएगा, क्योंकि चैप्टर ही वही है। अपवर्तन के बारे में हम लोगों ने सीखा है कि अगर कोई एक माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें जब दूसरी माध्यम में प्रवेश कर जाए तब हम उसको अपवर्तन कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग जब एक माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें उस सतह से टकराने के बाद, चाहे दर्पण से टकराने के बाद, अपने ही माध्यम में अगर वापस आता है तब उसको हम कहते हैं परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोगों को यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपवर्तन के बारे में जानना है, अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें सबसे पहले टॉपिक्स लेंगे कि आखिर लेंस में प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक है, यानी कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि लेंस भी एक तरह का क्या है, अपवर्तन है। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस ये सब जानते हैं आप, हम लोग पीछे पढ़े भी थे कि अवतल लेंस का फिगर ये होता है, ठीक है, और उत्तल लेंस का फिगर ये होता है। तो हम लोग लेंस भी क्या है, एक तरीके का अपवर्तन ही है, क्योंकि लेंस में अगर एक माध्यम से प्रकाश की किरणें आती है तो कांच से वो दूसरी तरफ निकल जाती है, तो अपवर्तन हुआ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो टॉपिक देंगे, लिखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि किसी भी लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बन पाता है। ठीक है, तो उसके नीचे फर्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, स्थिति को ज्ञात करने के लिए वस्तु के किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से आने वाली निम्नलिखित 3 प्रकार की किरणों का पथ, निम्नलिखित 3 प्रकार के किरणों का पथ खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। याद रखिएगा कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए 3 तरीके से किरण आरेख खींचा जा सकता है। कितने तरीके से खींचा जा सकता है? 3 तरीके से।
यानी कि अगर किसी लेंस द्वारा अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी बिंदु से जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं उससे तीन प्रकार की किरण को हम लोग खींच सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी वे किरणें हैं जिनकी सहायता से हम लोग किसी भी लेंस का प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो उसके नीचे लिखेंगे पहला, पहला में लिखा जाए, वस्तु से निकलने वाली वह किरण, वस्तु से निकलने वाली वह किरण जो लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, जो लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, कॉमा अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। चलिए पहला हम लोग जो लिखे हैं उसका डायग्राम बनाएंगे। चाहे कोई सा भी लेंस हो, जैसे मान लिया पहला का हम दो डायग्राम बनाएंगे, एक उत्तल लेंस को लेकर और एक अवतल लेंस को लेकर। ठीक है, ये हम लोगों का अवतल लेंस है और ये हम लोगों का उत्तल लेंस है। उसके नीचे नाम लिख देंगे तो काफ़ी सहूलियत होगा, अवतल लेंस। ठीक है, बोला गया कि हम लोग तो जानते हैं कि कोई भी लेंस हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसका मुख्य अक्ष होता है और उसके बीच के केंद्र को ओ कहते हैं, जिसको प्रकाशिक केंद्र के नाम से जानते हैं। ये ओ क्या है, लेंस के बीच है, लेंस का बीच का केंद्र है जिसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मान लिया कि यहाँ पे एक वस्तु है ए बी। ठीक है, तो अगर मुख्य अक्ष तो ये वाला हो गया, हम लोगों को जो बीचों बीच गुजरा है वो मुख्य अक्ष है। अगर कोई वस्तु के मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरणें जा रही है, ये एक समानांतर किरणें गई तो अपवर्तन हुआ, क्योंकि लेंस है तो ये अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरेगा उसको हम लोग फोकस कहते हैं। और इसका हम लोग जानते हैं कि दो दो फोकस होता है, एक F1 फोकस और एक F2 फोकस, यानी कि ये जो है दूसरे वाले तल का फोकस हुआ और ये जो है पहले वाले तल का फोकस हुआ। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि अगर कोई भी वस्तु से वह किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर है अगर वो आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो F2, F2 माने फोकस। ठीक है, फोकस से गुजरेगी। अच्छा, अगर मान लिया कि अवतल लेंस होगा, तब अवतल लेंस में भी मान लिया जाए कि कोई एक वस्तु है ए बी, करेक्ट। अगर मान लिया कि ए बी एक वस्तु है और ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आई, यहाँ पे आई, तो हम लोग तो जानते हैं कि अवतल लेंस का काम है किरणों को फैला देना, तो यहाँ से सीधा नहीं गया, तिरछा मुड़ गया, किरणें फैल जाती है, इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। बताए थे ना कि अपसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस का गुण है कि ये किरणों को फैला देता है। और इसको अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि एक ही बिंदु पर सब किरणों को मिला देता है, यानी कि एक ही किरणों पर मिलाने वाले को उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन जब आने वाले प्रकाश की किरणों को अगर फैला दे उसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये तो फल गया, लेकिन इसके पीछे को अगर हम लोग मुड़ाएं तो यहाँ हम लोगों को बनता है F1 और यहाँ F2। तो एक्चुअली हम लोगों को तो फोकस पे ही ना बना, लेकिन इसमें जो है मिलती हुई प्रतीत हुई बोलेंगे। अभी हम बोलेंगे ना, अभी हम तो लिखें कि तीन प्रकार से होता है। पहला वाला में हम लोग क्या लिखें कि जब कोई वस्तु है उससे अगर वह किरण निकली जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो समानांतर किरणें टकराने के बाद फोकस से गुजरती है।
यहाँ पे तो फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत का मतलब पीछे बढ़ाने पर वो फोकस से कटेगा। तो अगर हम लोग समानांतर किरण उत्तल लेंस में खींचेंगे तो फोकस ऐसे गुजरेगा और अवतल लेंस के लिए ऐसे गुजरेगा। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा दूसरा लिखा जाए, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए बिना विचलित हुए लेंस से बाहर निकल जाती है। लेंस से बाहर निकल जाती है। चलिए हम लोग अभी लिखें कि अगर चाहे कोई सा भी लेंस हो भाई, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है। जैसे मान लिया कि एक उत्तल लेंस है, ठीक है, जरा अच्छा से पेंसिल से फिगर ड्रॉ कीजिएगा। ये मान लिया अवतल लेंस है, ठीक है, ये अवतल लेंस है, क्लियर। अब इसका मुख्य अक्ष तो ये हुआ, इसका मुख्य अक्ष ये हुआ, इसके बीच वाले केंद्र को, लेंस के बीच वाले केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मान लिया कि कोई एक वस्तु है जिसका नाम ए बी है। अब इससे जो किरण है वो सीधा समानांतर न आकर इसके डायरेक्ट केंद्र से ही गुजर रहा है। तब दूसरा में हम लोग लिखें कि कोई भी लेंस रहे, किसी भी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से बढ़ता है पर पड़ता है, तब बिना विचलित हुए वो सीधे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी कि फिर यहाँ पे मुड़ता उड़ता नहीं है, वो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने के बाद सीधे निकल जाता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे तो अवतल लेंस हो। अवतल लेंस में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक वस्तु है जिसका नाम ए बी है। अब इससे भी जो आने वाली प्रकाश की किरण है वो प्रकाशिक केंद्र पे पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है, प्रकाशिक केंद्र, और प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकल गई। तो याद रखिएगा, ये इसका दूगो फिगर बना लीजिएगा, दूसरा का भी दूगो फिगर है ना। इसमें आप याद रखिएगा कि अगर कोई सा भी लेंस हो, अगर कोई वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर पड़ता है यानी कि सेंटर पे पड़ता है, तो उसको फिर मुड़ना उड़ना नहीं रहता है, वो सीधे निकल जाता है, चाहे उत्तल लेंस रहे चाहे अवतल लेंस रहे, ठीक है। चलिए अब दूसरा के बाद हम लोग आते हैं तीसरा पर, क्योंकि तीन ही कंडीशन है ना। तीसरा लिखा जाए थर्ड नंबर में, उत्तल लेंस की स्थिति में उत्तल लेंस की स्थिति में लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर लेंस से प्रथम मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाला किरण अथवा इस बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होने वाला किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होती है चलिए यहाँ पे क्या बोला ना, जस्ट पहला का उल्टा बोला। तो यहाँ पे फिगर बनाना उतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि पहला वाला में हम लोग क्या समझे,
ध्यान दीजिएगा कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आएंगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। इस बार क्या बोला कि चाहे कोई सा भी लेंस हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, अगर फोकस से होकर गुजारेंगे ना तो मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। यानी कि यहाँ पे था सीधा और यहाँ पे कर दिया उल्टा। यहाँ पे था कि समानांतर आने वाला प्रकाश किरण फोकस से गुजरेगा, और इसमें है कि पहले फोकस से गुजारिए तो समानांतर होगा। तो बात तो बराबर है, यानी कि समानांतर गुजारिए तो फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजारिए तो समानांतर होगा। तो एक्चुअली पहला और तीसरा दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, रिवर्स हैं। ठीक है, तो ये तीन बातों की वजह से, हालांकि फर्स्ट एंड सेकेंड बहुत दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि थर्ड जो है फर्स्ट का उल्टा है, तो इसलिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, इंपॉर्टेंस है, आप इनको याद रखिएगा। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण यही मेन दो तरीके, यानी कि टोटल तीन होते हैं, इन्हीं तरीकों से होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने सीखा कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, और फिर अगले क्लास में अगले न्यू टॉपिक्स को सीखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।